चलिए अब एक और बिग मार्केट वर्सेस बात करते हैं प्रकाश दीवान से, जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस मार्केट में। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। काफ़ी आउट ऑफ द ब्लू ये मार्केट के लिए मूव आया। थर्सडे तक सब कुछ ठीक लग रहा था, 25,000 के ऊपर थे हम, और आज 24,000 ब्रीच कर दिया ये मार्केट। खैर इसी तरीके से चलता है जब चलता है तो। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को, क्योंकि ये ग्लोबल लेट करेक्शन है, और क्या यहाँ पर बाय करना बनता है या थोड़ा वेट करेंगे? गुड आफ्टरनून। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जब मार्केट 25,000 की नई ऊंचाई का कर रहा था हासिल, तब हम ये देख रहे थे कि इतना ब्रेथ टेकिंग रैली कैसे हो रही है। लेकिन एक चीज तो पहले समझ आई थी कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है, जो स्ट्रेच वैल्यूएशन है, उनको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था करेक्ट होने का। अब ये कहाँ से आएगा ये तो तब पता नहीं था, अब समझ आ रही है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे भी जापान के येन कैरी ट्रेड से हुआ है सब, ये अभी तक इसकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हुई है, और ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हो सकता है कोई ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, जैसे यूएस में एक रेट कट का अनाउंसमेंट हो जाए या टाइमलाइन थोड़ी सी एडवांस मतलब प्रीपोन हो जाए। इस टाइप का कुछ अगर होता है तो मेरे ख्याल से वो होगा। लेकिन मार्केट जिस जिस उस पे है, लेवल पे है, जिस टेक्सचर में है, इतनी जल्दबाजी अभी कुछ लेने की नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉक्स पता है, हिंदुस्तान के सेक्टर्स पता है कौन से अच्छे चलने वाले हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये जो मोमेंटम में जो ब्रेक लगी है और जो रिवर्सल थोड़ा सा आया, ये अभी भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर ये, तो निफ्टी में आपने इतना बड़ा कट देखा है, हो सकता है ये कट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा हो जाए, और वो जब हो जाएगा तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर चेरी पिकिंग। अभी फिलहाल आप देखिए, मेक श्योर कि जैसे पहले आपने भी कई बार ये चीज दोहराई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मार्केट अपने पोर्टफोलियो में जो चीजें वीक थी, जो कचरा आ गया था, सालों से भरते जाते हैं हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड करते जाते हैं, समझ नहीं आती है उसका करना क्या, उसमें से निकलने का जो चांस था वो बहुत अच्छा था। अभी भी चांस मिल सकता है, बाउंस पर आएगा कभी ना कभी, तो बाउंस आएगा, चांस मिलता है तो उसमें से हम निकलिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मार्केट गिरेगा तो बहुत ही मतलब चढ़ते वक्त सीढ़ियों से गए, उतरते वक्त हम एलिवेटर से आए, तो ये चीज बनी रहेगी और फिर से होगा, ये दोहराया जाएगा, तो उसके लिए आप थोड़े से सावचेत। ओके अच्छा प्रकाश, एक चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब इस समय जिन स्पेसेस में सबसे ज़्यादा पैसा बना है वहाँ क्या करें, जैसे रेलवे और डिफेंस, यहाँ क्या भी होगा आपका? नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से मोमेंटम आने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि हमने जो पीक पी वैल्यूएशन देखे हैं वो आते हैं इस उम्मीद में कि इसमें परफॉर्मेंस आएगी, वो अब आपको एक एक लेट डाउन सा दिख रहा है वहां पे। आप ये देखिए कि कई कंपनी जिसमें बहुत ही बढ़िया आपने उम्दा वो देखा, BHEL को लीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, कामकाज सब कुछ अच्छा है, सरकार का रुख बदला, अपनाया गया आत्मनिर्भरता का एक एक वो चला, बहुत बड़ी मुहिम चली, तो उन्होंने ये चीज को फायदा होते हुए देखा ऑर्डर बुक पे बिल्डअप। लेकिन ऑर्डर बुक से ट्रांसलेशन जो चाहिए अनुज, वो आने में समय लगेगा। तो ये सारे जो स्टॉक्स है, पावर में कई है, रेलवे में बहुत है, डिफेंस में तो पूरे ही पूरे हैं, ये सब ने अपनी ऑर्डर बुक के बलबूते बढ़त देखी है, तो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन को तो समय लगेगा, आप उसको तो आप कर ही नहीं सकते। ऑर्डर आप साल में ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो जो करना है वही कर सकते हैं। सो उस लिहाज से मुझे लगता है वहां पे कैचअप होते हुए काफी समय लग जाएगा, 1-2 साल लग जाएंगे आपको उस टाइप की परफॉर्मेंस आते हुए। नो डाउट बिजनेसेस आर गुड, वैल्यूएशन स्ट्रेस था, अब आपको थोड़े से नए पॉकेट्स में दिखे, पुराने पॉकेट जो स्टार पॉकेट्स थे वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की कमबैक रैली आएगी। जो भी रैली आएगी वो नए क्षेत्र में आएगी, नए उससे आएगी, आउटलुक से आएगी। एक स्पेस जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है वो सभी वो ग्लोबल ओरिएंटेड कंपनियां, आप टाटा मोटर्स देखिए जो अब 7% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है, मदसन संवर्धन की बात हम पहले कर रहे थे, सोना BLW की बात कर रहे थे, क्या यहाँ पर एक्सपोजर एक बार के लिए हटा लेना चाहिए? प्रकाश, अप्रोच क्या होगी? क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स Q1 नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मैनेजमेंट ने कहा कि थोड़ी सी यू नो आउटलुक म्यूटेड है, तो फ्राइडे को भी टूटा, लेकिन आज एक और गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी। तो आई थिंक 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये काउंटर करीब 11-12% तो वैसे ही बैठे बैठे गवा चुका है। जी जी, अच्छा, नो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट तो ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन ये जो ग्लोबल प्लेयर्स है इनका कैसे, इनका क्या नजरिया होना चाहिए, ये चीज सबको सताएगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है अर्शदा, वो हर एसेट क्लास में है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, बॉन्ड्स हो, कमोडिटीज हो,
करेंसीज ऑल्सो, ये जो मूव आया है ये आपका इन्वेस्टेबल मार्केट पे है, जो डेरिवेटिव मार्केट पे है, ठीक है, नॉट द अंडरलाइंग दिस थिंग। अब जैगुआर लैंड रोवर की सेल्स या कोई और कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है, या यूपीएल हो गया, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ज्यादा रखती है, उनका आपको देखना पड़ेगा हुलिया क्या है डिमांड साइड पे। इस डिमांड श्रिंकिंग आई डोंट थिंक दैट्स आंसर। अगर आप देखें तो हाँ डिमांड में सॉफ्टनेस थोड़ी बहुत सीजनली हमेशा रहती है, लेकिन ये गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी, केमिकल की खपत बंद हो जाएंगी, कई चीजों का उत्पादन बंद हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। सो ये चीज थोड़ी सी टेम्पररी है। ये आपका जो रब ऑफ इफेक्ट आया है ये इन्वेस्टर जो जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसके मिसमैचेस की वजह से आया है, नॉट बिकॉज ऑफ सम डिमांड सप्लाई। कोई डिमांड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो यूएस डिपेंडेंट स्टॉक्स है, जहां पे इकोनॉमी ग्रो जिस रफ्तार से सोचा था वो नहीं हो रही, थोड़ी सी स्टैग्नेट हो रही, वहां आपको थोड़ा सा पॉज मिलेगा। बट ये अपॉर्चुनिटी है, ये मिसमैच की वजह से, ग्लोबल मिसमैच की वजह से आपको अच्छी कंपनीज भी सस्ते में कभी कभार मिल जाएंगी। और उसमें से अगर आप देखें फार्मा केमिकल्स टू सम एक्सटेंट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज है, वहां पे कोई आंच नहीं आएगी और वो नीचे के लेवल से बहुत अच्छी तरह बाउंस करेंगे। ओके, लेकिन एक स्पेस है जहां पर शायद और मंदी गहरा सकती है इस ग्लोबल सेल ऑफ के बीच में, वो मेटल्स है। मेटल्स में क्या आपको लग रहा है वो वीकनेस आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि ना दो दिन पहले जब हम टाटा स्टील के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, चाइना में जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला है और दाम घटते हैं तो वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स खुद लॉस में चले जाएंगे, और वो इनफैक्ट बाकी पीयर्स के लिए भी प्राइसेस नीचे ही ड्राइव करने लगे हैं। इस माहौल में फिर क्या और पेन की गुंजाइश है? तो ये थोड़ा सा मेटल्स में क्या होता है, जब हम फेरस मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पहलू है, जो कंजम्पशन का जो साइड है, वहां पे आपको इतनी आंच आते हुए नहीं दिखेगी। जो ग्लोबल कमोडिटी सेटअप में मार पड़ा है उसकी वजह से ये मेटल्स के प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक वी शुड ओवर रिएक्ट टू दिस। हाँ थोड़ा सा असर तो सब पे पड़ रहा है। आप उसको आप ये नहीं सोच सकते कि मेटल्स में कुछ नहीं होगा, ग्लोबल उसमें हम लोग तो है ही नहीं, हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, इस टाइप की जो चीजों में जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉन्ग जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इतने बुलिश थे, वो सब ईज आउट होंगे, वहां पे आपको अनवाइंडिंग होगी, इस वजह से आपको थोड़ा सा मार पड़ता हुआ दिखेगा। बट डिमांड साइड पे आई डोंट थिंक ये होगा। और इंडियन कंपनीज जो इंडिया में ही सप्लाई कर रही है, बहुत सारी कंपनी जो स्टेनलेस स्टील बना के दे रही है, जो पाइप्स बना के दे रही है, तो इस टाइप के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के दे रही है उसमें आप देख लीजिए शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि उसकी डिमांड कहीं कम नहीं होने वाली है। सो अगर जैपनीज येन स्ट्रांग होता है, डॉलर वीक होता है, उल्टा होता है, जो होता है, इससे हमारे रोड बनाने, पाइप बनाने, गैस लाने, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये सब चीजें जो कंजम्पशन ड्रिवन है वहां पे फोकस करिए तो आप एटलीस्ट उसको हेज कर सकते हैं। बट यस, ग्लोबली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव। अच्छा प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। वो जो बजट के दिन आप साथ में बैठे थे तो उस दिन एस्कॉर्ट्स आपने रिकमेंड किया था, उस दिन का मूव तो अच्छा था। खैर बाजार अब पूरा का पूरा टूटा है, एस्कॉर्ट्स के जो मंथली सेल्स फिगर थे वो भी आपने देखे होंगे। मैं दो स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूँगा, एस्कॉर्ट्स पे और मारुति पे। मारुति के इस बार नंबर्स अच्छे थे, एबिटा बहुत स्ट्रांग था, लेकिन थोड़ा सेल्स फिगर, मंथली सेल्स फिगर पे इसने डिसअपॉइंट किया। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? सो वीरू देखिए, एस्कॉर्ट्स में बहुत सिंपल है, जो कैचअप आना बाकी है वो अभी उसको और समय लगेगा, और वो शायद हो सकता है मॉनसून के आने के बाद आपको इम्पैक्ट दिखे। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। हाँ ये है कि ये जिस टाइप का मार्केट हाई बीटा स्टॉक्स को ट्रीट कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत मार पड़ेगी, सो आई वुड नॉट बी सो वरिड। लेकिन हाँ जो ट्रैक्टर सेल्स में इंप्रूवमेंट है, आप एमएनएम की कॉमेंट्री सुनिए तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अब पिकअप की उम्मीद है, हमने देखा है ऑलरेडी स्टॉकिंग शुरू हुआ है। मॉनसून के बाद, मॉनसून के दरमियान ये सब चीजें होती है। एमएनएम में थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो होने की वजह से एक अलग सेफ्टी लेवल आ जाता है, एस्क्वाड्स के डिपेंडेंस ट्रैक्टर्स पे ज्यादा हो। आप इसी समय वीएसटी टिलर का कामकाज देखिए, उनके नंबर्स देखिए, या स्टॉक प्राइस की बात में नहीं कर रहा बट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स देखिए, वहां बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। सरकार जो काम कर रही है, जो बजट में ऐलान हुए हैं वीरू, उसका परकोलेशन डाउन द लाइन तो होना ही होना है। पैसा तो किसानों के पास आएगा, मैकेनाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये सब चीजें जिस हिसाब से हो रही है, आप इन थीम्स को थोड़ा बहुत स्लो डाउन देख सकते हैं, लेकिन आप इनको चूक नहीं सकते क्योंकि सेक्युलर ट्रेंड जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म 4-5 साल का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव। ओके अच्छा सर, प्रकाश सर ये
इंश्योरेंस स्टॉक्स में से HDFC लाइफ, SBI लाइफ, और कुछ देर के लिए अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को, अभी हम कैम्स की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, इसी स्पेस में कैम्स हो गया या फिर HDFC AMC, इन दो तीन पॉकेट्स में से कुछ पसंद आ रहा है आपको इस वक्त? नहीं बिल्कुल, कैम्स है, केफिन टेक है, ये आपने कमेंट्री सुनी, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इंश्योरेंस को ग्रोथ में अब ना भी शामिल करें तो भी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की ग्रोथ, AIFs की ग्रोथ इतनी ज्यादा है, और ये होगा कि देखिए जो अनऑर्गेनाइज मार्केट, नॉट अनऑर्गेनाइज बट जो थोड़ा सा एडवाइजरी साइड में जो मार्केट PMS से AIF से हटके जो चल रहा था वो थोड़ा बहुत अब और स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा, और म्यूचुअल फंड्स को जो सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्सेशन का है कि कैपिटल गेन्स नहीं लगता, तो उनके पास रिटर्न देने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी, तो मार्केट थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज उसमें काम में चल रहा है, तो ये सभी कंपनीज को बहुत बेनिफिट होगा। कैम्स नीचे आया है, आज आपको मिल रहा है, आप ले सकते हैं। जब जब मार्केट में इस टाइप की गिरावट आती है, जैसे कैम्स की कोई गलती नहीं है लेकिन मार्केट गिरी है तो कैम्स को भी गिरना है, तो आप ऐसे उन दिनों पे इसको ऐड करा जा सकता है। और CDSL को देखिए, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जो ग्रोथ उसके सामने है, जो पार्टिसिपेशन लेवल्स जिस टाइप के बढ़ रहे हैं, अगले साल आपको एक साल में IPO इतने दिखेंगे बड़े बड़े, वहां पे भी वापस एक ग्रोथ आएगी। सो मार्केट इज गिविंग यू दोस अपॉर्चुनिटीज, बट एक बास्केट बना लीजिए जो नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स है, इनको मैं मतलब एक अलग कैटेगरी में ट्रीट करता हूँ। ये थोड़े से वैसे हैं जिसमें कोई फंडिंग की या लोन्स की, बोरोइंग की कोई समस्या नहीं आती, ये सिर्फ फी बेस्ड, सर्विस बेस्ड वो है, तो उनमें से डेफिनेटली लिया जा सकता है। ओके, अच्छा मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, IT यहाँ पर कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं क्या? सो अनुज, IT में मतलब देखिए मार सबसे ज्यादा तो वहां पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल इंटरफेस ज्यादा है। अब ये हो सकता है कि US में थोड़ा सा माहौल सुधर जाएगा तो वापस एक बोलबाल आएगा, लेकिन जो रनअप ग्लोबली हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो AI और चिप्स को लेके, सेमी कंडक्टर्स को लेके हो रहा है, एक कंपनी मुझे अभी भी पसंद बहुत आती है और वैल्यूएशन कंफर्ट जहां आता है, जहां ओवरबॉट स्टेट नहीं है, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, पर ये वहां 1100 के जोन से हिलता ही नहीं है, बट जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से आई वुड, इफ आई हैड टू ऐड समथिंग तो ये करूंगा, क्योंकि आगे चल के जो टाटा एलेक्सी ने किया कंसोलिडेशन के बाद वैसी चाल आपको इसमें भी दिख सकती है, बट अदरवाइज मिड कैप IT में कई जगह स्पार्क्स हैं, अच्छे हैं, बट आई वुड स्टिल वेट फॉर सम टाइम। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज के दिन समय निकाल कर बात करने के लिए। तो प्रकाश बेसिकली यही कह रहे हैं कि मिड कैप्स में और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कई आइडियाज आपको